नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और दोपहर का समय हो चुका है, 1:30 बज गए, खाने का टाइम हो गया। और खाने की ड्यूटी आज मैंने गुड्डू का सौंप दी। गुड्डू लग रही थी किचन में, कुछ करके धर के आई, वो कर रही है किचन में। वो मुझे लगा मिर्च मुरच लग गई, क्या हो गया, सूं सूं कर रही। तो वो क्या बना रही पता नहीं, मुझे मन्ना कह दिया मुझे तो आज खाना बना चाहिए, जो बनावेगी बना देगी। तो वो लग रही है, जो उसे लाना था सब्जी सुब्जी वो ले आई। बस अब ये तो है नहीं कि उसे ही छोड़ दूंगी, मुझे भी कुछ ना कुछ करना ही पड़ेगा। और मैं सबसे पहले जा रही हूँ ऊपर अपने कपड़े उतारने के लिए, क्योंकि कपड़े मैंने सुबह धोए थे और हवा चल रही थी बढ़िया, तो शायद गिर गए होंगे। मैंने पिन पिन लगाई, दिखा दूँ आपको, ये देखो कितने ही सारे, इधर भी सारे कपड़े गिर गए। पिन मैंने लगाई नहीं थी और गेहूँ भी मैंने फैलाए थे आज, तो गेहूँ तो अभी मैं उठाती नहीं। मौसम वैसे 2-3 बार बादल का भी लिया, क्योंकि चद्दर पे है, अगर उठाने होंगे फटाफट उठा लूँगी, धूप और लग जाएगी। कपड़े बस मैं उतार देती हूँ, क्योंकि कपड़े सूख चुके हैं अच्छी तरीके से, तो इनको मैं रख दूँगी उठा के, शाम को इनकी फिर तय बना लूँगी। तो सबसे पहले मैं कपड़े उतारती हूँ। तो कपड़े मैंने उतार दिए सारे, और ये कपड़े जो किचन वाले हैं मैंने ले लिए, इनको मैं लेकर चलती हूँ नीचे, बाकी उतार के मैंने यहाँ रख दिए, बाद में शाम को ही ले जाऊँगी, शाम को ही मैं रखूँगी उठा के, तो यहीं मैंने रख दिए। तो मैं चलती हूँ नीचे किचन के, हाथ धोते ना कपड़े, तो मकई ने साफ करके नहीं, मतलब अब रोटी में रखेंगे ना, तो इस वजह से तो मैं रख देती हूँ। तो यहाँ पे देखिए गुड्डू ने सब्जी बना ली थी, तो यहाँ तभी फ़ोन आ गया था गुड्डू के पापा के फ्रेंड का कि मैं आने लग रहे, वे पहले दुकान पे आए, तो मैं ज़्यादा टाइम नहीं रुकने वाले थे, तो इसके पापा तभी कोल्ड ड्रिंक वगैरह लेके आए, लेकिन उन्होंने कोल्ड ड्रिंक के लिए ना कर दी। तो यहाँ पे देखिए मैं बस रोटी सेक ही रही थी, तो इन्होंने फटाफट रख दिया चाय बनने के लिए, क्योंकि गुड्डू के पापा को ना हमेशा जल्दी होती है, हर काम टाइम से पहले होता है इनका, चाहे कोई भी काम हो, कहीं जाना हो, ऑफिस का टाइम हो, मतलब कोई गया हो तो उसे टाइम मतलब देर ना लग जाए, ये रहता है। तो यहाँ पे मैं आके उन्होंने चाय रख दी, मैं कह भी रही मैंने कहा 2 मिनट रुक जाओ मैं रख रही हूँ, लेकिन इतनी उन्होंने कि नहीं उनको लेट होने लग रहा, तो ये चीज़ होती है। तो यहाँ पे फिर उन्होंने रख दी थी चाय, और मैं चलती हूँ ऊपर गेहूँ उठाने के लिए। तो फ्रेंड्स यहाँ पे हमारा खाना बन गया और इधर चाय बनने लग रही, गेस्ट आए हुए हैं, मैं वहीं बैठी इनके फ्रेंड, और बादल आ गया, तो ट्रे वगैरह हमने लगा दी, बस चाय छान के ले जाएंगे। चल गुड्डू आ जा, मैं और गुड्डू चल रहे ऊपर, क्योंकि बादल आ गया एकदम से। भी गई थी बस थोड़ी देर पहले, धूप निकल रही थी बढ़िया, और अब से काला काला आ गया बिल्कुल। तो वो उठाने हमें गेहूँ गेहूँ भर देंगे गट्टे में, क्योंकि मौसम कभी बारिश आ गया, पता तो कुछ नहीं, इसका 2-3 बार हो लिया, कम्बल यो ना गिल्ला हो गया था बारिश में, इस वजह से फिर उनका सूख जाऊँगा। ये तो कबूतरों ने भी आधा कर दिया ना, नीचा में लग गया बिल्कुल, अंधेरा हो गया यहाँ तो, चाना सा दिख रहा ऊपर तो, ना मैं गेहूँ भरवा दूँ पहले। तो यहाँ पे मैंने ऐसे कैसे ही रख दी चादर उठा के, क्योंकि उसे मुझे छानना है, उसमें ना सुरसुरी हो रही है, और धुला हुआ भी था वो, लेकिन फिर भी सुरसुरी हो गई है उसके अंदर, तो इस वजह से फिर वो मुझे दोबारा छान के जब रखवाना पड़ेगा। और यहाँ पे बस ये जाल भी ढकना पड़ेगा, क्योंकि बारिश आ चुकी है, कोई कोई बूंदे मोटी मोटी आ गई, तो इसे जाल को भी ढक दूँ वरना फिर आना पड़ेगा। बल्कि इसके पापा कह रहे रुक जा मैं ढक दूंगा, कभी बारिश ना आवे, अगर ये जाल ढकता है ना तो नीचे और भी ज़्यादा गैस सी बन जा, घुटन सी हो जा, इसमें से हवा आती रहे ना नीचे, ऐसा तो चारों तरफ सब बंद है, तो ये जाल ही खुला रहे तो सही रहे, अगर नहीं खुलता बंद रहता है तो नीचे ना घुटन सी हो जा, इसलिए। तो देखते हो अभी तो कोई कोई बूंद सी आ रही मोटी मोटी सी, पता नहीं बरस अगर नहीं तो इसके पापा ही इसका रख कर जाएंगे ले गए। बल्कि हम कोल्ड ड्रिंक मंगा ली थी पहले ही, उन्होंने ना कर दी कोल्ड ड्रिंक से, तो चाय बना दी। और इधर बस खाना खुना बन गया ही है, और आज गुड्डू ने यह सब्जी बनाई, बस जो बची कुची चीज़ थी वही सारी डाल के, शिमला मिर्च प्याज टमाटर वगैरह, चलो जैसा भी टेस्ट होना चाहिए, तो ये हम ही 3 ही हैं थोड़ी बनाई, और ये ऐसी सब्जी थोड़ी ही खाई जाती है। तो मैं सबसे पहले रसोई कर दूँ क्लीन अपनी पूरी फैलरी, उसके बाद फिर रस्ता भी खाना, इसके पापा ने भी नहीं खाया, मैंने भी नहीं, गुड्डू खाने लगी है क्योंकि वे आ गए हैं गेस्ट, उनके पास में बैठे नीरज भैया भी है उधर ही, और वे भी हैं गुड्डू के पापा,
बस जब तक मैं अपना ये बर्तन वगैरह जो पड़े रसोई साफ कर दूँ और बर्तन क्लीन कर दूँ, बाद में जब मैं आ जाऊँगी तो तब खाऊंगी खाना। फ्रेंड्स खाना हो गया है सबका और रसोई देखिए मैंने क्लीन कर दी, बर्तन वगैरह सब कर दिए और जो गेस्ट आए हुए थे वे भी चले गए हैं, उसके बाद ही खाया खाना सबने और बारिश भी आ गई। तो बारिश आ गई है, जाल भी ढक दिया, कप ढके आए थे क्योंकि बारिश तेज आ गई, अभी इसमें से भी पानी निकल गया क्योंकि तेज आती है ना, तो ये अभी जो ऊपर है ये इसमें से छन जाता है, दिखा दूँ आपको ऊपर बाहर मतलब ये देखिए, और धूप से भी निकल रही, पहले तो बिल्कुल काला बादल हो गया था, अब तो कम होगी बारिश लेकिन हो रही है हल्की हल्की, पहले थोड़ी तेज सी थी और अभी करूँगी बस मैं रेस्ट थोड़ी देर। अच्छा यहाँ से सारे को ये तो कर देते बेटा बाहर, ये एक साइड सा कर देते हैं सारा सामान, तो मैं भी रेस्ट करूँगी। गर्मी बहुत हो रही, बारिश होने के बाद फिर भी गर्मी पूरी है, बारिश भी हो रही है, कम हुई थी भैया चले फिर आ गई भीग गए होंगे मैं भी। चलो तो फ्रेंड्स अब हो गया है शाम का टाइम, 4 क्या 5 बज गए, तो 5 बज चुके हैं और गुड्डू तो क्या ट्यूशन चली जाती है 3 बजे, और यहाँ पे क्योंकि इसके पापा भी फ्री हो गए वे भी अपना टीवी देखने लगे, और ये आ गई है उधर से और ये लेके आई मैगी, जब से आई लगभग आधा घंटा तो हो गया होगा, आके 1 घंटा हो गया जब से आई, जब से ये इसे लग रही मैगी बनाने की, असल में ये मैगी उधर से ही लेके आई, इसके चाचू ने ही दिलवाई होगी, उन्हें दिलवाई ना तो ये भी लेके आई, और जब से परेशान हो रही मम्मी मैगी बना लूँ, मम्मी मैगी बना लूँ, मैं ऐसा कह दी रही मैं गुड्डू को आ जान कर जब बना लिए, लेकिन यह परेशान हो रही तो इतना बनानी शुरू कर दी। और ये कौन सा ये रिश्ता ही है तेरा, मैंने खोल ये देखो, आप बोलते हो ना कि इसके बाल नहीं बांध कर रखते, कितने भी बांध लो लेकिन 10 मिनट बाद फिर में खुले ही मिले, स्कूल से आवे बाद में घर में सबसे पहले बाल खोल कर गिर रहे एकदम, अब भी उधर से इसका प्यू ने हेयर स्टाइल बना रखा जब ये आई, और ये चोटी अलग से थी इन बालों की, छोटी सी चोटी पतली सी, इसने अब तक सबसे पहले ये खुले हैं, और ये देखिए चोटी उसी नहीं बनाई, प्यू को आजकल पूरा शौक लग रहा है ये वाली चोटी बनाने का, फ्रेंच वाली 2-3 दिन से रोज बना रही हुआ इसकी, लेकिन थोड़ी देर बाद या फिर खोल कर गिर रहा है बाल, ये कट तेरे कटवाने ही पड़ेंगे जब तुझे खोलने का ज्यादा शौक लग रहा है, इन्हें बांध कर रखा कर, आप क्या खाओगे आपके लिए क्या बनाऊं, एक बार जो कोल्ड ड्रिंक की बोतल रख रखी वो खोल दी ना आप तो नुकसान कर दिया, मैं जब भी कह रही थी आपको वे गेस्ट आए थे ना तो उनके लिए वो लेके आए थे कोल्ड ड्रिंक बड़ी बड़े वाली लेके आए थे, तो उन्होंने पी थी चाय, तो जब वो रख दी इसके पापा ने कि चेंज कर दूंगा क्योंकि सारों की तबीयत ऐसी हो रही कभी नुकसान है, अरे इसने क्या करा एक बार रख दी मैंने फ्रिज में, मैं चल शाम को चेंज कर आवोंगे कुछ और ले आवोंगे इसके लिए, अरे इसने आप तो ही वही खोल कर पी ली, हमें पता भी नहीं चला कद में, वो इसने आप तो ही खोल दी, सबसे पहला धावा उसी पर ही मारा, अरे वो 2 लीटर की, अरे वो ऐसा भी खराब हो जाए, इतने पीने वाले हैं नहीं आज, बच्चे भी नहीं आए, बच्चे भी नहीं आए आज उधर से जो पी लेते, बस जितनी पी जाएगी फिर इसके चाचू उधर जाएंगे लेते जाएंगे, नहीं मैं तो पी लें बच्चे कृष्णा को तो सो गया, हिंदू और कृष्णा को दोनों को सो गया, वे पी लेंगे वहाँ फिर वैसा भी मंगा मैं भी जो पी जाएगी उन्हें पी लेंगे, अभी तो उधर देख लेंगे, आप क्या पियोगे अच्छा बनाना सेम बना दो आप चाय, मेरा तो चाय पीने का चाय पानी पी करते तो एक हफ्ते में उठे जब फिर चाय पीऊंगा तो अभी बनाना सेक में बना देती हूँ, इन्हें बनाना सेक का लग रहा, चलो बना दूंगी। तो इधर देखिए ईशु अपना मैगी बनाने लग रही है और आज वो अपने आप ही बना रही है, वैसे तो रोज़ गुड्डू ही देती है उसको बनाकर मैगी, और गुड्डू ज़्यादातर तड़के वाली चीज़ें खाती है, वो सिंपल नहीं खाती जैसा टमाटर प्याज वगैरह डाल के खाती है, मैगी वगैरह भी अगर बनाती है मैक्रोनी, लेकिन ईशु को चाहिए होती है सिंपल, बिल्कुल सिंपल ही खाती है, ईशु को तो ना टमाटर ना प्याज कुछ नहीं चाहिए, बस अगर सब्जी भी दो तो उसे जीरे के तड़के वाली चावे और उसमें भी जीरा ना दिखाई दे ऐसी चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इसने अलग तरीके की बनाई है, पानी अलग छान लिया, कह रही कि मुझे सूप वाली मैगी चाहिए, तो मैगी अलग कर ली प्लेट में और वो उसका सूप अलग छान के ले गई है,
और इधर देखिए मैंने अपना मिल्क शेक भी, सॉरी ये बनाना शेक भी बना के तैयार कर दिया। बनाना डाल के दूध डाल दिया, 2-3 स्लाइस इसमें प्रप के डाल दिया और बस ये कर लिया है तैयार। और बस काना को दे दूंगी, मैं पी लूंगी और गुड्डू के पापा को दे दूंगी। तो बस यहाँ पे पीने के बाद मैं लगी थी अपने काम पे। तो ये कपड़े आज धुले थे जो सुबह के टाइम, इनको मैं ले आई हूँ ऊपर से उतार के, अब इनको रख दूंगी क्योंकि एक के बाद एक काम करना जरूरी होता है। पूरा दिन कैसे निकल जाता है तो पता ही नहीं चलता, काम का आपको पता ही है। कुछ कमेंट कर रहे थे कि आप कुछ और काम करना शुरू कर दो, आप बिजी रहोगे। देखो जी, अगर मैं आपको बताऊं पूरा दिन मैं बिजी रहती हूँ, पूरा मतलब जो मेरा शेड्यूल है काम का वो पूरा बिजी ही रहता है। ये नहीं है कि एक आध घंटा मैं बीच में रेस्ट करती हूँ, वरना तो पूरा दिन कैसे निकल जाता है मुझे पता भी नहीं चलता। और इतना ही मेरे से हो पाता है, अगर मैं कहूँ कि मैं बहुत ज़्यादा बाहर का भी कर लूँगी घर का भी कर लूँगी तो वो मेरे से बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि ना तो मेरी हेल्थ इतनी ठीक रहती और ना मेरी बॉडी इतनी साथ देती कि इतना ही कर लूँ। सबसे बड़ी बात तो है देखो, बच्चों को तीनों टाइम खाना देना, टाइम पे उनकी उनकी केयर करना, सबसे बड़ी तो यह है कि ये मैं कर रही है, अभी मेरे लिए बहुत है। दूसरी बात है देखो, वीडियो भी बनानी होती है, फिर उसको एडिटिंग वगैरह में भी मेरा 2-3 घंटे आराम से लग जाते हैं, तो वो भी तो इसमें से ही अपने टाइम में से ही निकालने होते हैं। तो वो सारे में पूरा दिन कैसे निकल जाता है। फिर अपने घर का भी काम और एक्स्ट्रा भी देखो बहुत सारे काम हो जाते हैं, धोने कपड़े, धरने, इनको प्रेस करना, और ये इसी में ही पूरा दिन निकल जाता है। तो मेरे से तो बाहर का नहीं होगा, असल में हमें वही आदत हो जाती है, अगर कोई बाहर का कर रहा तो उसको वही शेड्यूल बन जाता है पूरा दिन की, घर का भी करके जाओ बाहर का भी करो। लेकिन हमारा ये घर का ही है, मेरा पहले तो ही है, आज से नहीं है कि मैं अगर मुझे कोई भी एक्स्ट्रा काम मतलब एक्स्ट्रा टाइम मिल रहा घर के काम से तो मैं अपना जो भी कंप्यूटर वर्क है हमारा वो मैं कर लेती हूँ। तो अभी जैसा वीडियो करती हूँ, जब वीडियो नहीं बनाती थी तब भी मैं गुड्डू के पापा जो काम करते हैं वो उनकी हेल्प कराती थी, लेकिन अब तो यह है कि वीडियो वगैरह इनमें ही देखो टाइम लग जाता है काफी। 2 वीडियो डेली एडिटिंग वगैरह करो, पहले बनाओ उनको फिर एडिटिंग करो डालो, तो वो मैं सारा खुद ही करती हूँ काम, तो उसमें मुझे बहुत टाइम लग जाता है। मतलब वो भी मुझे सारा टाइम अपने इसमें से ही निकालना पड़ता है जो घर का मेरा रूटीन है। तो साथ साथ वो भी काम देखना फिर घर का भी देखना, तो पूरा दिन सब आप बोलते हो ना कि क्या करती है। देखो जी, करती तो कुछ नहीं, अगर मेरा मतलब मेन काम ये कहूँ मैं कि मैं जॉब करती हूँ या फिर मैं कुछ ऐसा काम करती हूँ, मैं बाहर जाती हूँ, तो वो तो खैर कुछ नहीं है, ये घर का ही काम है मेरा जो है। लेकिन बस इसके अलावा मैं अपना वीडियो वगैरह का करती हूँ, वो मैं सारा खुद ही करती हूँ अपना काम। और कभी जैसा कभी बीमार हो गए या कभी कोई मैं नहीं हूँ यहाँ पे कहीं जा रही, तो भले ही गुड्डू के पापा हेल्प कर देते हैं, लेकिन उनका भी काम अपना इतना होता है कि वे नहीं कर पाते। बहुत सी बार उनके पास टाइम होता है वो कर देते हैं लेकिन नहीं कर पाते, तो इस वजह से ज़्यादातर मैं अपना काम खुद ही करती हूँ। कभी 100 में 1 दिन हो गया जैसा नहीं कर पाई तो कर देते हैं। तो यहाँ पे देखिए जी, बस मैं यही कहना चाहूँगी कि नहीं, मैं बाहर काम, मैं मेरे लिए जो काम है वो ही बहुत है मेरे लिए, क्योंकि इससे ज़्यादा मैं नहीं कर सकती। और ये यहाँ पे बस देखिए, गेहूँ कपड़े वगैरह धर के मैं आ गई थी ऊपर, और ऊपर आने के बाद मैंने ये गेहूँ साफ करने शुरू कर दिए। दोपहर में जो सुखाए थे, पहले तो मैं सोच रही थी इनको गट्टे में डाल के धर दूंगी ऐसे ही पीस जाएंगे, लेकिन जब मैंने इकट्ठे करे मैंने देखा इनमें सुरसुरी होगी। और ये अभी तो खरीदे थे, पता नहीं अप्रैल में या मई में ही तो लिए थे, नए वाले गेहूँ हैं और इनमें अभी से ही सुरसुरी बहुत सारी होगी। तो उधर नीरज भैया भी एक गट्टा लेकर गए थे तो वो भी बोल रहे थे कि उसमें भी काफ़ी सुरसुरी होगी और इनको तो कुछ करना पड़ेगा वरना तो सारा अनाज खा लेंगे, ख़राब हो जाएगा। तो अभी सोच रहे हैं कि इसको सुखाएंगे, लेकिन सुखाने का टाइम ऐसा हो रहा कि मौसम ऐसा है कि कब बारिश आ जाए पता नहीं चलता, तो अभी तो शायद सुखाया भी नहीं जाए कम से कम 15-20 दिन, जब तक कि मौसम अच्छा ना हो जाए, क्योंकि जब डालेंगे पूरा दिन की धूप ना लगे तो फिर क्या फ़ायदा डालने का, अब इतनी मेहनत भी करो। तो देखते हैं क्या करना, धो के सुखाना या कैसे सुखाना उसका भी सोच ही रहे हैं, वरना तो इस तरीके से तो ये सारे गेहूँ खराब हो जाएंगे। इतनी मेहनत भी मतलब पैसे भी लगे, मेहनत भी है इसमें, सारा कुछ है, और सारी चीज़ ऐसे ही बेकार हो जाएगी तो उसका
उसकी दिक्कत होती है। तो देखते हैं कैसे करना है इसको। और यहाँ पे देखिए बस, और ये वाला जो गेहूँ मैं कर रही हूँ ना, ये धुले हुए तो पहले ही थे, बस ये सुखाए थे आज, मतलब पिसने रख दूंगी तो फिर मैंने छान दिए। जब मैंने इनमें भी देखा मतलब सुरसुरी होगी तो यहाँ छान के साफ कर दिए। काफ़ी टाइम लगा इनको क्योंकि थोड़े थोड़े करके ही करे, मगर नहीं अच्छी तरीके से कर दूँ। और यहाँ गुड्डू के पापा आ गए थे, बस इन्होंने बंधवा दिया है ये गट्टा, ये बांध के तैयार कर दूंगी तो फिर रख आएंगे जब भी इनका टाइम लगेगा। तो यहाँ पे बस देखिए सारे गेहूँ ये रख देंगे अंदर उठा के, तो जो बड़े थे वो मैं डाल दूंगी ऐसी जगह जो कबूतर खा लें। और सामान उठाते उठाते फिर आ गई थी बारिश फटाफट, बस जैसे भगवान जी वेट ही कर रहे थे कि ये कब गेहूँ साफ करके हटे और कब मैं बरसना शुरू करूँ। फ्रेंड्स अभी अभी मैंने गेहूँ साफ करके बस हटी और देखिए भगवान जी ने बरसना शुरू कर दिया। जब सब वेट ही कर रहे होंगे भगवान जी, अब जब ये अनाज साफ करके हटेगी जब ही बरसूंगा। जैसा ही मैं लेके आई चादर उठा के तो फटाफट बरसना शुरू हो गया। और उधर किसी के कपड़े भी गिल्ले हो गए, उतार रहे बच्चे। तो खैर जी गर्मी ना तो फिर भी बहुत ज़्यादा वो कर रखा परेशान, गर्मी ज़्यादा है, बारिश चाहे कितनी हो रही फिर भी गर्मी बहुत है। लेकिन बारिश वो नहीं हो रही है जो होती रहे, बस 2-4 मिनट को बरसा है और फिर बंद ले हो गया बंद, बस एक आधी बार और बरसेगा फिर।